नमस्कार, अब आप देखेंगे राष्ट्रीय सूचना संस्थान का विशेष कार्यक्रम सच्चाई। राष्ट्रीय सूचना संस्थान का ये खास प्रोग्राम सच्चाई में एक बार फिर हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। एक बार फिर आपके घरों में हम सरकारी खबरें लेकर आ रहे हैं, सो आप ध्यान दें सुनने के लिए और खास करके देख करके और समझने के वास्ते। आज की सच्चाई में प्रिय दोस्तों, बिन लांसजाक की तरफ से ये खास खबर है कि ये लोग ब्यूरो जेंडर आन खलीक नहीद जो है, तो इस ब्यूरो के साथ साथ और इसके द्वारा ये लोग जनता को कुछ खास बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं। विशेष बात यह है कि जहाँ तक जेंडर की बात है, जहाँ मर्द और औरत के स्थान को लेकर के हमेशा लोग अनेक प्रकार के सवालात किया करते हैं, तो इस पर अब कुछ हल आना चाहिए, क्योंकि इसका समाधान पहले से ही हो जाना चाहिए था। बल्कि अब मिनिस्टर माइक नूर सलीम का कहना है कि हमें इस पर अब काम करना चाहिए, कारण कि हमेशा से ही लोग जेंडर को लेकर के और अनेक प्रकार के विचार इत्यादि प्रकट करते हैं। वार नीमत होफ्त जो है, यानी जो मुखिया है बिन लांसजाक की तरफ से ब्यूरो जेंडर आन खलीक नहीद के दफ्तर में, और वो है युदित करियो द्रोनो, तो वे बता रही है कि देखिए, हमने अनेक प्रकार के योजना तैयार किए हैं और अब उन योजनाओं पर हमें देश और विदेश में काम करना पड़ेगा। आगे युदित कारियो द्रोनो बता रही है कि देखिए, जो खास प्रेजेंटेशन हमने दी है, जिन तमाम जानकारी को हमने पेश की है अब तक जनता के सामने, जहां तक जेंडर ब्लेड की बात है, जेंडर के उसूल की बात है, तो हमें इस पर और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, कारण कि एक नया प्रोग्राम बनाया गया है ही फॉर शी जिसका नाम है, और ये ही फॉर शी प्रोग्राम को लेकर के हमें जनता के सामने आना चाहिए, ताकि जनता जाने कि मंत्री की ओर से ये जेंडर ब्लेड के क्षेत्र पर किस प्रकार से काम की जा रही है। सूरीनाम देश में अगर हम देखें तो ब्यूरो जेंडर आखलीक नहीद की बातें जिस प्रकार हो रही है, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय उसूलों को भी हम प्रयोग करते हैं कि जिस प्रकार विदेशों में इस प्रकार से काम होते हैं जेंडर के क्षेत्र पर, तो उन तमाम उसूलों को हम सूरीनाम देश में भी प्रयोग करना चाहते हैं। बताया भी जाता है कि ये जो ही फॉर शी प्रोग्राम है, हम इस प्रोग्राम को लेकर के मर्दों को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं, ताकि मर्द लोग भी आएं और औरतों के वास्ते अपनी आवाज़ उठाएं। श्री माइक नूर सलीम जी, जो बिन लांसजाक की मंत्री है, उन्होंने बताया कि इनका जो ब्लेड्स ऑफिसर है नसीर एसकक, ये जनता को और भी विस्तार रूप से इसके बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। मंत्री श्री माइक नूर सलीम आगे बता रहे हैं, मंत्री होने के नाते बिन लांसजाक के, कि देखिए, जो प्रोग्राम है ही फॉर शी, ये एक मामूली प्रोग्राम नहीं है, इस पर काफ़ी समय लगाया गया है, काफ़ी मेहनत की गई है, और इस मेहनत का फल हमें ज़रूर मिलना चाहिए। इसलिए जितने भी मिनिस्टर वाले हैं, ख़ास करके जो मर्द है मिनिस्टर, तो उनसे हमने मदद की मांग की है। काफ़ी सालों से, काफ़ी दिनों से ये एक ऐसे वेत को तैयार कर रहे थे, एक कानून ये तैयार कर रहे थे, जिससे जो तनख्वाह एक मर्द को मिलता है जब भी वो कहीं पर नौकरी करते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो आम जगह कोई नौकरी हो, तो जैसे भी हो, मर्द और औरत का जो तनख्वाह है, ये तनख्वाह बराबर का होना चाहिए। इसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए कि मर्द को और ज़्यादा तनख्वाह मिलनी चाहिए, औरत को और कम, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, कारण कि दोनों को हमें एक स्थान पर रख करके और एक रूप में देखना चाहिए। यही तो ये जेंडर ब्लाइट है, और जेंडर ब्लाइट को अगर हम अच्छी तरह से सही रूप में निभाना चाहे, तो हमें इसके बारे में बात करना होगा। जो ब्लाइट और जो अंतवेरप वेथ है, ये दे दिया गया है कैबिनेट फंड प्रेसिडेंट, और उसके बाद नेशनल असेंबली में जब ये आएंगे, ये नियम, ये कानून, तो असेंबली में भी यहाँ पर जब खुद क्योरिंग दिया जाएगा, तो वहाँ से वो कानून जो लागू हो जाएगा।
बताया जाता है। ख़ास करके आरबेट का जो मिनिस्टर है श्री सुवार्तो मुस्ताजा जी, वो बता रहे हैं कि देखिए एक कॉन्सेप्ट वेथ जो है ओदर्स हब्स फरलोफ के बारे में, तो ये अभी बनावट में है, मतलब कि इस समय तैयार किया जा रहा है और जैसे ही ये नेशनल असेंबली में आ जाएगा उसी समय सभी मिनिस्टर्स को इसके बारे में बता दिया जाएगा, ताकि मिनिस्टर वाले भी जाने कि वे अपने अपने कर्मचारियों के साथ किस प्रकार पेश आ सकते हैं। आज की सच्चाई में दोस्तों, हम आपको भी बताने जा रहे हैं कि स्पोर्ट एंड यूथ साक मंत्रालय की तरफ से बहुत ही विस्तार रूप से कामकाज किया जा रहा है। जो सैफन तिंद एडिट्सी है, यानी 17वीं बार एक कैरिबियन जोनल वॉलीबॉल एसोसिएशन, जिसको हम काजोफा के नाम से जानते हैं, ये एक चैम्पियनशिप है, मतलब कि एक ऐसा मुकाबला किया जा रहा है जिसमें ख़ास तौर पर औरतें भाग ले रही है और इसमें वॉलीबॉल भी खेले जा रहे हैं, जो और ज़्यादा प्रेरित किया जा रहा है। मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट एंड यूथ साक श्री ललिनी गोपाल जी भी इस विशेष उत्सव में, यानी ये खेल के उत्सव में शामिल थी, उपस्थित थी, और वहाँ पर वे बताएं कि देखिए उन्हें काफ़ी खुशी होती है इस बात से, उन्हें काफ़ी गर्व होता है इस बात से कि हमारे सूरीनाम देश के जो औरतें हैं, ख़ास करके खेल के क्षेत्र पर, स्पोर्ट के क्षेत्र पर, ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। कुछ और देश भी आए थे हमारे सूरीनाम देश में भाग लेने के वास्ते, उसमें है सूरीनाम देश के अलावा बारबाडोस, बहामास और त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ये टूर्नामेंट, यानी ये ख़ास मुकाबला जो किया गया है फन विल्कन स्पोर्ट हॉल में, जिसको हम जानते हैं इसमें फन विल्कन स्पोर्ट हॉल के नाम से। आगे मिनिस्टर जो है स्पोर्ट एंड यूथ साक का, वो है श्री ललिनी गोपाल जी। वे बता रही कि देखिए हर एक जीत करके, विजेता प्राप्त करके और घर वापस जाना चाहते हैं, बल्कि इसके लिए आपको जीतना चाहिए। जब तक आप जीतते नहीं हैं तब तक आप एक पुरस्कार यानी एक प्राइस लेकर के वापस घर को नहीं जा सकते। बताया भी जाता है कि जितने भी विदेशी लोग आए हैं हमारे सूरीनाम देश में ये खेल के वास्ते, उनको भी स्वागत किया गया, उनसे भी यही कहा गया कि देखिए हम जब तक एक दूजे के साथ इस खेल में शामिल हो सके, हमें शामिल होना चाहिए, बल्कि बहुत ही आम रूप से दोस्ती निभाते हुए हमें इस खेल को पूरा करना चाहिए। एक ओपनिंग सेरेमोनी के दौरान भी बताया गया है, जो सीफोबो द्वारा पेश किया गया है, जिसमें फेरदी खतरौ जो काजोफा की तरफ से भी वहां पर थे, और मुश्ताक मोहम्मद भी यहां पर थे, सूरीनाम्स ओलंपिक्स कमिटे और रामोन चोनाफत, ये तमाम लोग एक बहुत बड़े दिलखादसी में यहां पर आए हुए थे, और ये ओपनिंग सेरेमोनी यानी जो उद्घाटन का प्रोग्राम था, इसमें ये लोग भाग लिए हैं। सीफोबो का जो सभापति है यानी फोर सेटर श्री फेरदी खतरौ जी, वे बता रहे हैं कि हर एक देश जो भाग लिए है ये स्पोर्ट टूर्नामेंट में, उन्हें हमने ये सफलता देने के लिए भी बहुत ही विशेष शुभकामनाएं पेश किए हैं कि आप सफल हो जिस काम के लिए आप आए हैं हमारे देश में, कारण कि हमें इस बात के बारे में सभी मालूमात होना चाहिए और हमें खुद भी इसके बारे में काफ़ी ज्ञान होना चाहिए कि जिस खेल में हम भाग ले रहे हैं उस खेल को हम कैसे खेलें, और अगर हम विजेता प्राप्त भी करना चाहे तो हम कैसे ये सब कुछ कर सकते हैं। जो फिनाल किया गया है, जो फिनाल मतलब आखिरी वेस्ट्रेट जो किया गया, तो उसमें सूरीनाम और त्रिनिदाद एंड टोबैगो पेश आए हैं एक दूजे के खिलाफ, और उसमें बताया गया कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो इसमें सफलता प्राप्त किए हैं, यानी यही इस ख़ास मुकाबला को जीत करके और वापस गए हैं। हमारे आज की सच्चाई में दोस्तों, हम आपको हमारे एक बहुत ही विशेष मंत्रालय जो शिक्षा के क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, और वो है हमारे सूरीनाम देश के मिनिस्ट्री फॉर ऑनरवेस वेतनसप एंड कल्चर। ये बता रही है कि देखिए एक ऑपलेरिंग जो EOL के नाम से हम लोग जानते हैं, ऑपलेरिंग फॉर लेरार, तो ये इंस्टीट्यूट फॉर ऑपलेरिंग फॉर लेरार ये अब बंद हो जाएगा कुछ दिनों के वास्ते। कारण ये है कि अंतोन कॉम यूनिवर्सिटेट में
जहाँ पर ये अपलेयरिंग इत्यादि दिया जा रहा था, इसमें वैसे बहुत ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर अध्यापक है, जो दोस्त है, बल्कि इन्हें अभी उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, उतना ज़्यादा इन्होंने तालीम नहीं ली है कि ये लोग हर एक प्रकार के क्षेत्र पर लोगों को ज्ञान दे सके या ये लोग ज्ञान बाँट सके और यहाँ पर तालीम दे सके, यानी लेसन दे सके। तो शिक्षा देने के वास्ते आपको खुद काफ़ी मेहनत करना पड़ता है कि आप खुद वो ज्ञान हासिल करें और ज्ञान हासिल करने के बाद आप फिर शिक्षा दे सकते हैं। तो मिनिस्टर का कहना है कि 2012 से ये EOL में देख रही है कि देखिए यहाँ पर सही रूप में कामकाज नहीं किया जा रहा है, इसलिए 2016 में एक कमेटी तैयार किया गया है जो देखेंगे कि कैसे ये लोग शिक्षा दे रही है। श्री लिलियन फेरिये जो ऑनरवाइज वेतनशाप एंड कल्चर की मंत्री है, वे आगे बता रही कि देखिए जो क्वालिटेट आजकल हमारे स्कूलों में है, ख़ास करके अगर हम देखें हमारे बासस स्कूल में जिसको हम जानते हैं लाखर स्कूल के नाम से, तो इसका जो क्वालिटेट है ये आजकल वो नहीं है जो होना चाहिए। विशेष करके बताया जाता है कि हमारे आजकल के जो स्कूलों में अपलाइडिंग दिए जा रहे हैं, जिस प्रकार से शिक्षा दी जा रही है, तो ये शिक्षा काफ़ी कम है। मतलब कि अगर हम इसको देखें कि किस प्रकार से शिक्षा यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जो क्वालिटेट है, जो निफो है, जिसको हम स्तर कहते हैं, तो ये काफ़ी कम है। अगर हम देखें हमारे आसपास के देशों में, जैसे कि हाइटी या गयाना हो, तो वहाँ का जो क्वालिटेट है और वहाँ के जो निफो है, ये यहाँ से और भी ज़्यादा है अगर हम लाखर सोल की बात करें तो इसलिए मिनिस्टर का कहना है कि हमें सूरीनाम देश में भी कोशिश करना चाहिए कि हमारे बासस स्कूल में और ऊंचे क्वालिटी पर भी शिक्षा दिया जा सके। बताया भी जाता है कि जो खास करके शिक्षा दिए जाते हैं बड़े बड़े स्कूलों में, चाहे वो यूनिवर्सिटेट हो, चाहे वो एक मिडिल बार स्कूल हो, जो भी स्कूल हो, वहाँ का भी क्वालिटेट ऊंचा होना चाहिए। और जहाँ तक EOL की बात है, तो यहाँ पर नए लोगों का नाम अब लिखाने के मना किया गया है, मतलब कि न्यू इंस्क्राइबिंग ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है इस समय। कारण कि हमें अभी देखना चाहिए कि जो जो लोग यहाँ पर दोसेर करते हैं, जो जो लोग यहाँ पर आते हैं, मतलब कि शिक्षा देने के वास्ते, तो उनका निफो ठीक होना चाहिए, उनका जो ज्ञान है, जो तालीम उन्होंने खुद हासिल की है, उस तालीम के अनुसार हमें उनको काम पर लेना पड़ेगा। और विशेष बात यह है, जहाँ तक ताल बहेर सिंह की बात है, कि हमारे स्कूलों में ख़ास करके जो मिडिल बारस स्कूल और यूनिवर्सिटेट है, तो यहाँ पर कम से कम आपको नीदरलैंड्स भाषा और अंग्रेज़ी भाषा यानी एंगल्स भाषा, ये दो भाषाओं को आपको सीखना चाहिए। कारण कि ये दो भाषा है हमारे देश में जिस पर आपको कामकाज करना पड़ता है। बताया जाता है कि हर एक जो फ़क्ह भी है, इस पर आपको और ज़्यादा तालीम लेना पड़ेगा। और आजकल के जो आधुनिक ज़माना है ICT, तो ICT के क्षेत्र पर और ज़्यादा हमें मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि वही तो ख़ास करके हमारे तुकम्स है, जो भविष्य में हम लोग काम करेंगे, तो भविष्य में किस प्रकार काम होगा कंप्यूटर के द्वारा, तो ICT के तालीम हासिल करना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आजकल के जो EOL के स्टूडेंट हैं, तो इनको मौका दिया जाएगा कि आप लोग जो पढ़ रहे थे EOL में, तो एक अफबो प्रोग्राम आपको दिया जाएगा कि जो स्टडी आप कर रहे थे, जिस क्षेत्र पर आप पढ़ाई कर रहे थे, आपको एक मौका दिया जाएगा कि उस पढ़ाई को आप धीरे धीरे समाप्त कर सके और एक डिग्री हासिल कर सके, बल्कि नए स्टूडेंट को अभी EOL में इंस्क्राइब करने के वास्ते मौका नहीं है। इसी प्रकार प्रिय दोस्तों, आपने देखे है सच्चाई एक बार फिर, जो यहाँ समाप्त होने को आया है। आशा बस यही है कि इन ख़ास खबरों को आपने सुने, आपने देखे भी, जो भी बातें हमने आपको बताए हैं उन तमाम बातों को आपने देखे भी हैं, तो आशा बस यही है कि आपने भी समझने की कोशिश की है। सरकारी खबरें, देश की खबरें और जितनी भी सरकारी जानकारी है, ये सब कुछ हम आपको इस विशेष प्रोग्राम में देने की कोशिश करते हैं, जिस
प्रोग्राम का नाम है सच्चाई। आज के लिए देखने सुनने और समझने के लिए धन्यवाद। हम फिर आपसे मिलेंगे। हर एक को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इसी तरह आपने देखे राष्ट्रीय सूचना संस्थान का विशेष कार्यक्रम सच्चाई। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद और नमस्कार।